प्रदेश जनपद आजमगढ़ में पुलिसिया गुंडा राज। रात को गांव में घुसकर लूटपाट कर महिलाओं की इज्जत लूटने का वीडियो हो रहा है वायरल। क्या है योगी सरकार के राज में पुलिसिया गुंडा राज? आदमी के साथ हम नहीं बैठते थे अपने। ये तो दुखद घटना है, बहुत दुखी है। जी हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ के पुलिस कप्तान सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर रैना पार थाना क्षेत्र के पलिया गांव की पासवान बस्ती में एक मामूली विवाद पर जमकर कहर बरपाया। करीब 200 पुलिस कर्मियों ने 3 जीसीपी लगाकर 4 दलितों के घर ढहा दिए गए, जबकि अनाज और खाने पीने की सभी चीजों को पुलिस ने विषक्त पदार्थ मिला दिया। महिलाओं के इज्जत के साथ में खिलवाड़ खेला गया, जेवर और कीमती सामान लूट भी लिए गए। दलित के घर में पुलिस ने सरेआम डाका डाल दिया। डकैतों की तरह पुलिस कर्मियों ने औरत के बदन से जेवर भी नोच लिए। रात को नंगा नाच किया गया और जब भी नहीं दिल भरा तो अगले दिन गाँव में पहुंचकर दलितों की पिटाई भी की गई। जिस दलित के घर में पुलिस ने नंगा नाच किया वह उस गांव का प्रधान भी है और उसका भाई बनारस में बरेका का इंजीनियर भी है। यह दिल दहला देने वाली घटना चश्मदीदों की जुबानी सुनिए, देखिए और पुलिस ने डकैतों को किस तरह से मार दिया है। यह हैरान वाली बात है कि इस जगान घटना में मेन स्ट्रीम की मीडिया क्यों चुप है। देखिए खबरें आज भी पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता है सर। मैं यहाँ की सबसे बड़ी बहू हूँ। किसकी? प्रधान जी के? नहीं, वो तो मेरे देवर हैं। श्री श्याम देव, श्री श्याम देव का मैं सबसे बड़ी बहू हूँ। अच्छा। आदमी सर्विस करते हैं, इंजीनियर हैं DLW में। अच्छा। हाँ, मैं अपने सास के दवा दिलाने के लिए आई थी, बेचू से दवा होती उनकी है। वो जो CO हमको पकड़ा सर, करा था रात में, तो मजा जो हमको चाह रहा था वो नहीं मिला, इसीलिए हम दिन में आए हैं। हम कहे ठीक है कर लो मजा, हमको जब मारे सर, अरे तुम्हारे में डाल देंगे। मेरा चैन ले गया, मेरा ब्लाउज सर, कोई लेडीज होती तो मैं खोल के दिखा देती। यही कहेंगे कि हम बना के कर रहे हैं, आपको सबूत चाहिए तो हम अभी भी दिखाने के लिए तैयार। नहीं नहीं नहीं, बताइए, ये जो छोटी जाति की होती मजा लेने के लिए होती है औरत, कोई इज्जत नहीं होती है? अगर छोटी जात अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो कोई गुनाह है? तुम ओर्दी पहने हो, रात में मजा लेने के आते हो गरीब महिलाओं के साथ, SO जो है रात में उसका मजा नहीं पूरा हुआ, फिर दिन में आया, फिर रात में आया दूसरे दिन। इसीलिए मैं भाई ये जो हमारे सर लोग आए, हम हाथ जोड़ के निवेदन किए हैं कि यहाँ से मत जाइए, हम लोग सेफ नहीं है, इसीलिए ये लोग रुके हैं, इसीलिए लोग रुके हैं 2 दिन से। हमको यही मांग है सर कि योगी जी आए, ये अपना जो दिए हैं उन लोग को वर्दी, उनका वो देखें कि क्या वो फायदा उठा रहे हैं। अगर नहीं आएंगे तो अपने बच्चन के लेके फांसी लगा लेंगे, इसके अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं है। जब हमारे घर के, हम लोग अपने घर के चौखट नहीं नाचते थे सर, हम लोग भी महारानी हैं। ये तो अफसर बोल के गया, ये मजा नहीं मिला रात में, क्या है, क्या है ये इज्जत? योगी जी क्या इज्जत दे रहे हैं बेटियों को? कोई ना कहते हैं होगी मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो तुम तो निंदा कर दिए। मेरे ससुर हमको पेटीकोट में देखे, मेरे बाप को पेटीकोट में देखा, यही देखा सर। मैं अपने सोहाग का कसम खा के कह रही हूँ, किसी का भगवान औलाद न पैदा दे। मेरा बाप मुझको देखा पेटीकोट पर, मेरा ससुर देखा, क्या है योगी जी का, क्या योगी जी कर रहे हैं? हमको इंसाफ चाहिए, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा हम मर जाएंगे, हमारी अब इज्जत नहीं है सर। हम तो दिखाने के लिए आप लोग भी तैयार हैं, क्या है, कुछ नहीं है। जिसकी बीबी, जिसका पति अफसर हो, जिसका ससुर अफसर हो, उसकी बेटी, उसकी बहू, उसकी बीबी रोड पे नंगा नाच रही है, उसकी क्या इज्जत है? कोई इज्जत नहीं है, हमको ऐसा इज्जत नहीं चाहिए। सब उतर गया साथ,
योगी जी के वहाँ आना होगा, नहीं तो हमको जिंदगी ऐसा नहीं जीना है। क्या अपने पति के हम जाएंगे अपने पति के पास, पुलिस का हाथ लगाना हुआ हम अपना चेहरा दिखाएंगे? ये बिलाई जो खड़ा है क्या दिखाएंगे, क्या कुछ दिखाएंगे बताइए? यही योगी जी का प्रशासन है, कह रहा है चमाइन पास के पास इनका जात तुम्हारे। फारो तुम्हारे देखे कितनी औकात है तुम्हारी वर्दी में, भाई क्या है बताइए? ये मेरे लिए, ये मेरे लिए मार खाई है, ये मेरी फुफुआ सास है, एक और है, क्या है इनकी औकात? ये डंडा डंडा भी हम रखते हैं सर, आप भी किसी का बेटा है, आप भी किसी का पति है, जितने लोग भी आए हैं, अगर आपके बीबी के साथ ऐसा होगा कोई बर्दाश्त करेंगे आप करेंगे? सर बताइए हम क्या अपने पति मुंह दिखाएं? आप ही लोग जवाब दीजिए ना, जो हमारे ससुर हम लोग दरवाजे से बाहर नहीं करते थे, आज उसकी बहू नंगा नाच रही है बाहर, हम लोग नाचने वाली चीजें? बताइए क्या हम लोग को आप जवाब दें, क्या दिखाएं? अपना हर चीज दिखाएं, जमीन दिखाएं, गाड़ी दिखाएं, घोड़ा के अपना ये शरीर दिखाएं, बताइए क्या दिखाएं? क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है, हमारा यही मांग है ओगी जी आके देखें। वो पूजा करते हैं सर ना, मेरा मंदिर भी तोड़ा हुआ है, वो सो के उठते हैं तो कहते हैं बहुत बड़ा भक्त है, यही प्रशासन दिए हैं ओगी जी, चल के आप देखे होंगे हमारा मंदिर, देखे होंगे, हम तो अपने आदमी के पास नहीं जा पाएंगे, हमको शर्म आएगी, जिसका आदमी उसकी जिंदगी बिताने के लिए मिलता है आज कोई और छोड़ के गया। बताइए हम कहा जवाब दें? योगी जी हमारा आपस करेंगे, मोदी जी हमारा आपस करेंगे, हम भी घुघट में चलते थे सर, हमारा भी सर पे पल्लो था, हम भी सोफा पर बैठ के खाते थे, हम भी ऐसे में बैठते थे, हम भी चर्चा कब घूमते थे, बाकी हमारा सब चला गया सर, हम भी एक एक आदमी के साथ हम भी बैठते थे अपने। बत्ती जलाइए जरा, कोई होगा इधर जलाइए, इधर नहीं ये तो दुखद घटना है, बहुत दुख दिया, इतना चोट लगल है, बैठी है मैडम जी, कहाँ है दादा? अब उनके नहीं, हमारा यही मांग है योगी जी आए ये देखें सब।